स्वागत आपका ड्राइव स्पार्क में, मैं हूं प्रमीत और आज हम आए हैं उदयपुर जहां पे हम चला रहे हैं ये नाउ दिस इज दी ऑल न्यू Hyundai Alcazar। Hyundai ने अभी ये गाड़ी लॉन्च करी है एंड चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से, लेकिन उससे पहले मैं इस गाड़ी का प्राइस आपको बताना चाहता हूं। तो Hyundai ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹14.99 लाख, जो कि पेट्रोल वेरिएंट पे है, और ₹15.99 लाख इसका डीजल वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज द टॉप एंड सिग्नेचर 1.5 DCT टर्बो पेट्रोल वेरियंट, और इस गाड़ी का प्राइस जो है ₹21.20 लाख एक्स शोरूम होने वाला है, जो कि एक फुल्ली लोडेड कार है। और ये जो आप कलर देख रहे हो दिस इज द टाइटन ग्रे मैट, एंड इसी के साथ आपको इस गाड़ी में 9 कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक डुअल टोन है और 4 वेरिएंट मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। सबसे पहला चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो है इसका DRL का सेटअप। अब यहां पे देख सकते हैं एच पैटर्न मिल जाता है कनेक्टेड, यहां पे स्ट्रिप मिल जाती है LED की, उसी के साथ इंडिकेटर आपका यहां पे मौजूद है। हेडलैम्प क्लस्टर नीचे की तरफ है जो कि एक फुल LED क्लस्टर है। उसी के साथ आगे आप देखोगे तो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगा इसके ग्रिल में, या तो इसको आप डार्क क्रोम भी बोल सकते हैं, लेकिन दूर से जो है पियानो ब्लैक ही लगता है। उसी के साथ Hyundai का लोगो, एक फ्रंट पार्किंग कैमरा, ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ द 360 डिग्री कैमरा, तो आपको चार कैमरा मिलते हैं और एक कैमरा वहां पर मिलेगा जो कि ऑब्वियसली ये रेडार के साथ चलता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको Level 2 ADAS भी मिलता है। और अगर हम बात करें तो इसका बम्पर भी ऑब्वियसली पूरा का पूरा नया है एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। उसी के साथ हुड लाइंस और क्रीजेस जो है गाड़ी को काफी मस्कुलर बनाती हैं सामने से। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसके अलॉय व्हील्स, क्योंकि इसको मिलते हैं ऑल न्यू 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिसका डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कूल है। और ये जब गाड़ी रोल करती है, जब व्हील रोल करता है, तो काफी अच्छा पैटर्न बन के आता है। उसी के साथ टायर जो 18 इंच का है, और आपको बॉडी क्लैडिंग भी मिल जाती है, लेकिन वो भी कम्प्लीटली ग्लॉस में मिलती है, जो कि गाड़ी की प्रीमियमनेस को और ज्यादा एनहांस करती है। आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा के लिए 2 कैमरा मिलेंगे इधर और उधर ORVM पे। पिलर्स है उस पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, और डोर हैंडल्स पे भी आपको डार्क क्रोम देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ नीचे आप इसके अगर साइड स्कर्ट्स को देखें तो वहां पे आपको सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। एंड रूफ रेल की बात करें तो रूफ रेल जो है वो नया है, फंक्शनल है, एंड ऑब्वियसली आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और एक शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। उसके साथ अगर हम इसके रेयर सेक्शन में आते हैं, और रेयर सेक्शन में जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बॉडी लाइंस और क्रीजेस जो है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, एंड स्पेशली ये जो मैट वेरिएंट है, ये मैट वेरिएंट में आपको जो है काफ़ी ये बॉडी लाइंस एनहांस हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेल लाइट का यूनिट कम्प्लीटली नया है यहाँ पे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एच शेप का पैटर्न है, यहाँ पे कनेक्टेड आपको LED टेल लाइट भी मिल जाएगी। Alcazar की बैजिंग मिलेगी जो कि एक ये ट्रांसपेरेंट फाइबर मटेरियल के अंदर एम्बेडेड है। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर मिलेगा, एक हाई स्टॉप माउंट लाइट, डिफॉगर, वाइपर विद अ वॉशर, एंड यहाँ पे बैजिंग की बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर बैज मिल जाएगा, दैट इज अ टॉप एंड वेरिएंट, और यहाँ पे टर्बो बैज मिलेगा बिकॉज दिस इज अ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। कैमरा मिलता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और रियर बम्पर भी कम्प्लीटली नया है इसका, तो ये देख सकते हैं कि सिल्वर फिनिशिंग बम्पर में भी करी गई है। उसी के साथ सिंस हम लोग रियर पे हैं तो इसके बूट की भी बात कर लेते हैं। अब बूट खोलने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर तो दिया ही गया है, एंड यहाँ पे जब बूट खुल जाता है तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 180 लीटर का स्पेस मिलता है, यानी 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि थर्ड रो ऊपर है। उसी के साथ इसमें आप देख सकते हो 2 कैबिन बैग तो आप आराम से रख सकते हो, उसी के साथ एक बैकपैक, थोड़ा बहुत और लगेज आ सकता है यहाँ वहाँ, एंड अगर आपको और लगेज चाहिए तो आप सिंपली थर्ड रो को जो है ऐसे ये स्ट्रैप खींच के फोल्ड डाउन कर दीजिए, पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपके पास लगभग 580 लीटर से ज्यादा बूट स्पेस हो जाएगा। एंड यहीं पे आपको बूट में एक लाइट भी मिल जाता है, एंड उसी के साथ यहाँ पे एक सब वूफर भी मिलेगा आपको, जो कि ऑब्वियसली बोस का सिस्टम है, वो अंदर बैठ के मैं आपको बताऊंगा। बूट को बंद करने के लिए सिंपली आपको ये करना है, बूट लिड काफी लाइट है थैंक्स टू द हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, एंड ये समाप्त करता है इस गाड़ी का एक्सटीरियर। चलते हैं अब अंदर की तरफ, आपको बताते हैं अंदर आपको ऑल न्यू Alcazar में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके सेकेंड रो में, एंड यहाँ पे काफी
कंफर्टेबल होने वाला सेकंड रो, जैसे कि मैंने बताया था ये ड्राइविंग सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, थोड़ा सा और मैं इसको आगे ले सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं लेग रूम काफी अच्छा है, हेड रूम भी काफी अच्छा है, और ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आप जो बाहर से बोल रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक ट्रे टेबल मिल जाएगा जो कि मैं यहां से आपको दिखाता हूं, ये एक ट्रे टेबल है और इसका जो कप होल्डर है आपको यहां पे मिलेगा जो कि काफी नीटली इंटीग्रेट किया गया है, तो आप यहां पे खाना खा सकते हैं, लैपटॉप रख के काम भी कर सकते हैं। उसी के साथ ये वाले सीट पे आपको बॉस मोड का फंक्शन भी मिलता है जिसमें से आप देख सकते हो यहीं से आप सीट को जो है आगे पीछे कर सकते हैं अगर कोई आगे नहीं बैठा और आपको और जगह चाहिए यहां पे। तो चलिए और थोड़ा कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में आपके पास सीट्स जो है ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के ऑब्वियसली सीट्स हैं, यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी मिल जाता है आपको। उसी के साथ आप इसका हेडरेस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये विंगलेट्स मिलते हैं जो कि आप अगर सर ऐसे करके रखें तो सर आपका राइट लेफ्ट गिरता नहीं है जब गाड़ी मूव करती है। उसी के साथ आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और अगर आप वहाँ पे नोटिस करोगे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का एक बटन भी मिलेगा, तो पीछे के जो सेकंड रो है वो दोनों जो कैप्टन सीट है वहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है, आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है, तो आप यहाँ पे अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। एंड अगर आप थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में स्पेस तो है ही है, ये हम लोग आपको आराम से दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम रील डालने वाले हैं जहाँ पे हम दिखाएंगे कि एक 6 फुट का बंदा क्या इस थर्ड रो में फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएंगे, यहाँ वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स भी मिलते हैं एंड आप आराम से कंफर्टेबली ये आर्मरेस्ट को नीचे करके सनरूफ के मजे लेते हुए लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। तो ये सब करता है इसका रियर एंड, लेकिन हाँ एक चीज बताना भूल गया, आपको यहाँ पे मैनुअल ब्लाइंड भी मिलते हैं जस्ट इन केस अगर आप थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये चीज काफी काम आने वाली है। तो ये समाप्त करता है इसका रियर सेक्शन, अब चलते हैं आगे की तरफ एंड बताते हैं आपको आगे क्या क्या मिलता है। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट सीट में, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आपको मिलती है। सबसे पहला चेंज तो आप देख सकते हैं जो डैशबोर्ड लेआउट है ये कम्प्लीटली न्यू है, डुअल टोन में फिनिश है, इसमें आपको पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स और सिल्वर के इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे कुछ एक स्टोरेज स्पेस, मतलब आपका फोन या वॉलेट रखने की जगह है, यहाँ पे आपका जो है ग्लव बॉक्स है। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो डोर पे आप देख सकते हो कि आपको बॉटल होल्डर्स और काफी सारी स्पेस मिलेगी जहाँ पे आप चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे कभी होल मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड ये आगे की दोनों सीट्स भी वेंटिलेटेड होने वाली हैं। उसी के साथ स्क्रीन की बात करें तो 2 स्क्रीन मिलते हैं आपको, 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें काफी सारी आपको कनेक्टेड फीचर्स जो कि आप ब्लू लिंक से कनेक्ट कर सकते हो और काफी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। और उसी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी किसी अपने दोस्त को दे रहे हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर को दे रहे हैं तो आपको अब ये फिजिकल की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Hyundai ने किया ये है कि Hyundai ने बहुत स्मार्टली एक आपके मोबाइल पे ही की आप एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी दोस्त को गाड़ी दे रहा हूँ तो मैं आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कैसे भी मैं उसको वो की का कार्ड जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूँ एंड जब वो गाड़ी के पास आएगा तब उसको बस 4 सेंटीमीटर दूर से गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी एंड गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको फोन जो है यहाँ पे वायरलेस चार्जर पे रखना पड़ेगा एंड फिर आप गाड़ी को स्टार्ट करके लेके जा सकते हो। तो ये फिजिकल की आपको देने की और कोई जरूरत नहीं है, तो ये काफी अच्छी चीज है और काफी अच्छा फीचर ये होने वाला है। उसी के साथ अगर हम फ्रंट सीट की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडजस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक सीट से दोनों ड्राइवर और पैसेंजर का। उसी के साथ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट हो सकती है, तो ड्राइवर अपना राइट ड्राइविंग पोजिशन काफी ईजिली फाइंड कर सकता है। एंड यहाँ के सेटअप की बात करें तो इसको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगी एंड अगर आप बटन्स की बात करो तो जो फिजिकल हैप्टिक टच वाले बटन्स है वो आपके टेम्परेचर कंट्रोल, वॉल्यूम रॉकर और ये ट्यूनिंग का बटन है। उसके अलावा बाकी सारे बटन्स जो आपको यहाँ पे मिलते हैं वो सारे के सारे टच है, जो कि एसी के कंट्रोल्स हैं या फिर काफ़ी और सारी चीज़ें जो कि रेडियो वीडियो के कंट्रोल्स है वो सारे आपको टच मिलेंगे। नीचे आप आओगे तो आपको चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे या काफ़ी सारे वायरलेस चार्जर मिलता है। ये आपका गियर लीवर है, यहाँ पे आपके पास एक ड्राइव और ट्रैक्शन का बटन है, ऑब्वियसली आपके ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, आपका पार्किंग कैमरा का ऑप्शन और यहाँ पे हिल डिसेंट का फीचर भी मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो फ्लैट बॉटम है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं और कुछ भी टच नहीं है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। सारे के सारे जो है हैप्टिक टच वाले बटन्स हैं, आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिल जाएगा मैनुअल कंट्रोल चाहिए तो,
और एक और चीज आपको मिलेगा वो है एक मैग्नेटिक पैड जो इस साइड पे मिलता है, तो आप बेसिकली अपना फोन यहाँ पे रख सकते हैं या फिर कुछ भी आप यहाँ पे स्टिक ऑन कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और आगे से भी आप देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ काफी बड़ा है और पीछे तक जाता है, तो आगे और पीछे वालों को दोनों को अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है इसकी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक बोस का साउंड सिस्टम मिल जाएगा। ये एक 8 स्पीकर का सेटअप है जिसमें आपको जो है सब वूफर जो है वो बूट में मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये काफी अच्छा साउंड करता है। तो चलिए ये समअप करता है इसका इंटीरियर, अब गाड़ी चलाते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो अब हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे दी ऑल न्यू हुंडई अल्काज़ार के। तो यहाँ पे हम आपको एक इंजन ब्रीफ देना चाहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, एक पेट्रोल है और एक डीजल है। आज जो हम चला रहे हैं वो है आपका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, और वो आता है इधर एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, या फिर जो हम आज चला रहे हैं 7 स्पीड डीसीटी यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। और इस इंजन का पावर जो कि पेट्रोल है, दैट इज अराउंड 160 पीएस ऑफ पावर निकालती है एंड 253 यानी कि 253 Nm ऑफ पीक टॉर्क। एंड उसी के साथ अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में 116 पीएस की पावर मिलेगी और आपको 250 यानी कि 250 Nm टॉर्क मिलने वाला है। और वो वाला जो इंजन है वो मेंटेन आता है इधर एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, तो वो जो इंजन है वो आता है इधर एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ या फिर एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ। तो आज क्योंकि हम लोग पेट्रोल चला रहे तो इसकी बात करेंगे। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ब्रिस्क है, आपके पास 3 मोड दिए गए हैं इसमें, तो आपके ड्राइव मोड्स हैं बेसिकली नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। एंड उसी के साथ अगर हम इसके पावर परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे मैंने बोला कि इमीडिएट एक्सेलरेशन थोड़ा सा लिनियर है, बट जैसे ही ये बूस्ट बिल्डअप करता है और टर्बो किक इन होता है तुरंत आपको जो है एक सर्ज ऑफ पावर मिलती है। एंड उसी के साथ आपका मिड रेंज और टॉप एंड, मिड रेंज काफी स्ट्रॉन्ग है गाड़ी का एंड टॉप एंड तो बहुत ही ज्यादा, ट्रिपल डिजिट स्पीड आप नो टाइम में पहुंच जाएंगे। 0-100 करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो हम लोग यहाँ कर नहीं पाएंगे बिकॉज हम लोग घाट सेक्शन में है और यहाँ पे वो रोड्स है भी नहीं जहाँ पे हम लोग इतना तेज चला पाए। तो बाद में कभी गाड़ी मिलेगी तो 0-100 भी आपको बता देंगे कि ये गाड़ी कितने में करती है। उसी के साथ अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, क्योंकि सॉफ्ट इसलिए रखा गया ताकि आपको काफी प्लश और कंफर्टेबल राइड मिले। एंड उसके चलते एक चीज जो है वो बढ़ गई है, वो है इसका बॉडी रोल। गाड़ी में बॉडी रोल तो है सिग्निफिकेंटली, आपको पता भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्मूथ रोड पे जा रहे हैं, स्मूथ टामैक है, हाईवे है या सिटी में स्मूथ रोड है, तब आपको उतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप घाट पे हैं और हार्ड कॉर्नरिंग कर रहे हैं या फिर रोड पे अंडुलेशन है, गड्ढे वगैरह है, तब आपको थोड़ा बहुत फील जरूर होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना बोलूंगा है जरूर इसमें बॉडी रोल। उसी के साथ इसके स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो स्टेयरिंग व्हील आप लाइट या हेवी दोनों कर सकते हैं, एंड दैट इज बिकॉज इसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है। और वो स्टेयरिंग व्हील जो है आप अपने ड्राइव मोड्स के हिसाब से, आप अगर इको लगाएंगे तो लाइट हो जाएगा, तो सिटी में मैन्यूवर करने में बहुत ईजी हो जाती है, और अगर हाईवे पे चला रहे स्पोर्ट पे लगाया तो ये हैवी हो जाएगा, वे अप कर जाएगा, जो कि अच्छी बात होती है। एक थोड़ा सा वेट अप या फिर थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग व्हील चलाना थोड़ा रिस्क मिनिमाइज करता है वो चीज। उसी के साथ अगर हम इसके सीट्स की बात करें तो सीट जो है काफी कंफर्टेबल है एंड दोनों ड्राइवर और को पैसेंजर को 8-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाता है। थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर सीट पे कुशनिंग थोड़ी सी और होती बैक रेस्ट में तो थोड़ा और अच्छा होता, बट एनीवे आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाएंगे जब ये आप गाड़ी चलाने लगोगे। तो उसी के साथ मैं बोलूंगा कि सीट जो है कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट अच्छा है, साइड बोस्ट्रिंग्स भी काफी अच्छे हैं इसके, आपको सीट पे पकड़ के रखते हैं एक जगह पे। एंड अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स में तो ऑब्वियसली अल्काज़ार को जो है स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स तो मिलते ही, उसी के साथ इसमें लेवल 2 ADAS भी आपको मिल जाता है, जिसमें 19 प्लस फीचर्स आपको मिलेंगे इसके ADAS में। तो उसी के साथ जो है आपको बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एक्टिव क्रूज कंट्रोल, एक्टिव ब्रेकिंग, एंड मैं बस वो लिस्ट को कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं मिलके दी ऑल न्यू अल्काज़ार को एक बहुत ही सेफ व्हीकल बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी ऑल न्यू Hyundai की अल्काज़ार। एक बार और प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी को लॉन्च किया गया एट अ प्राइस ऑफ ₹14.99 लाख फॉर द पेट्रोल एंड ₹15.99 लाख फॉर द डीजल वेरियंट। और ये गाड़ी में आपको 9 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 वेरिएंट मिलेंगे, एंड आप देख ही सकते हो कि गाड़ी कंप्लीटली फीचर लोडेड है अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट उठाते हैं तो।
तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और जाना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए मैं प्रोमित सरोड करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।